अस्सलाम वालेकुम क्रिप्टो लवर्स, आज मैं आप दोस्तों को बाइनास की वेब थ्री वॉलेट की एक्सटेंशन यूज़ करने का तरीका बताने वाला हूँ कि कैसे आपने बाइनास की वेब थ्री वॉलेट की एक्सटेंशन माइसेस ब्राउज़र के अंदर आपने यूज़ करनी है, इंस्टॉल करनी है। आपने यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको माइसेस ब्राउज़र, देखो दोस्तों आप जब भी एक्सटेंशन यूज़ करो तो आप कीवी ब्राउज़र में या माइसेस ब्राउज़र में यूज़ किया करो, ठीक है। माइसेस ब्राउज़र में जब भी आप इसको ओपन करोगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर अभी एक ऑफर चल रही है ओकेएक्स की, ठीक है। नीचे आप देख सकते हैं एक्सटेंशन वाली जगह पर, एक्सटेंशन में ओकेएक्स वॉलेट की एक्सटेंशन, मेटामास्क वॉलेट की एक्सटेंशन, फैंटम वॉलेट की एक्सटेंशन, कैपलर वॉलेट की एक्सटेंशन, ठीक है। और भी जितने भी डिसेंट्रलाइज्ड वेब थ्री के क्रिप्टो के वॉलेट हैं सबके एक्सटेंशन आपको एक ही जगह पे मिल जाती है, ठीक है। वेब थ्री वॉलेट के लिए स्पेशल ये मैसेज ब्राउजर बनाया गया है। आप लोगों ने कैसे बीएनबी स्मार्ट चेन की वॉलेट क्रिएट करना, ये बाइनांस का वेब थ्री का वॉलेट, बेसिकली इसको बीएनबी स्मार्ट चेन वॉलेट बोलते हैं। जैसे मेटामास्क वॉलेट इथेरियम वॉलेट होता है, इसी तरह बाइनांस का जो वेब थ्री वॉलेट है इसको बीएनबी स्मार्ट चेन वॉलेट बोलते हैं, ठीक है। आप यहां पर देख सकते हैं ओकेएक्स वॉलेट, ट्रस्ट वॉलेट, बिटगेट वॉलेट और भी बहुत सारे वॉलेट आपको ऊपर देखने को मिल सकते हैं। टोकन पॉकेट, मेटामास्क वॉलेट हो गया, आप बी वॉलेट भी देख सकते हैं। आपने यहाँ पर बाइनांस की बाइनांस वॉलेट कैसे क्रिएट करना है और कैसे आपने बाइनांस वॉलेट से विड्रॉल करना है और कैसे आपने बाइनांस वॉलेट से पैसे कमाने, अर्निंग कैसे करनी है और अपने बाइनांस वॉलेट को सेफ कैसे करना है, क्या ये यूज़ के लिए सेफ भी है या नहीं है, तो आपको सब कुछ इसी वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेगा। आप जैसे ही एक्सटेंशन पर क्लिक करोगे आप सर्च भी कर सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं आप सर्च करके भी एक्सटेंशन इंस्टॉल कर सकते हैं। ऐसे आप ऊपर आपको ऑप्शन जो होगा ये देख सकते हैं, ये जो बॉक्स दिखा रहा है ना ये पूरी एक्सटेंशन आपको उधर ही शो हो जाएंगी, जितनी भी एक्सटेंशन आपने इंस्टॉल की होंगी ना। आप यहां पर ऐड टू क्रोम पे क्लिक करोगे, नीचे आप देख सकते हैं कि एक्सटेंशन अभी इंस्टॉल हो रही है। बाइनांस की जो एक्सटेंशन है ये भी सेम दूसरे वॉलेट की तरह होती है, जैसे मेटामास्क वॉलेट हो गया। क्योंकि देखो दोस्तों, आप लोग जब ज़्यादा एयर ड्रॉप या माइनिंग वगैरह करते हो तो विड्रॉल लेने के लिए कुछ दोस्त बाइनांस के वेब थ्री वॉलेट को भी यूज़ कर लेते हैं कभी कभी, ठीक है। तो इसको कैसे यूज़ करना है, कैसे आप इसे विड्रॉल करोगे, डिपॉजिट करोगे, कैसे आप सेंडिंग करोगे, रिसीव करोगे, ये बेसिकली बाइनांस का वेब थ्री का सेफेस्ट वॉलेट है, ठीक है। आप दोस्तों को शुरू में बता दूँ, और इसका एक ऑलरेडी भी वॉलेट है, ट्रस्ट वॉलेट भी इसका वॉलेट है समझो, और सेफ पाल वॉलेट भी इसका है तकरीबन। आप ऊपर आप क्लिक करके देख सकते हैं, आपके सामने ऊपर एक ऑप्शन शो होगा बीएनबी चेन वॉलेट, ठीक है। दूसरे ओकेएक्स वॉलेट, बी वॉलेट, मेटामास्क वॉलेट, आपको दूसरे वॉलेट भी शो हो रहे हैं, आपने क्लिक कर देना है बीएनबी वॉलेट पे, ठीक है। अभी आप यहां पर देख सकते हैं कि आपने समझो बीएनबी स्मार्ट चेन का जो वॉलेट आपने क्रिएट करना है उसकी एक्सटेंशन भी इंस्टॉल हो चुकी है, और आपने बाइनांस का वेब थ्री वॉलेट कैसे यूज़ करना है ऊपर आप पढ़ सकते हैं। वेलकम टू द बीएनबी चेन वॉलेट, सिक्योर एंड ट्रस्टेड मल्टी चेन क्रिप्टो वॉलेट। तो ये मल्टी चेन है समझो, क्रिप्टो के अंदर डिसेंट्रलाइज्ड का मल्टी चेन ईवीएम वॉलेट है, ठीक है। आपके सामने दो ऑप्शन शो होंगे, यूज़ एग्जिस्टिंग अकाउंट या क्रिएट। आपने क्रिएट न्यू वॉलेट पर क्लिक कर देना है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने दो ऑप्शन शो होंगे, क्रिएट विद टी की वी आई है, ठीक है। अगर आप गूगल के साथ करना चाहते हैं नीचे आपको गूगल का ऑप्शन शो होगा, लेकिन मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा ऊपर आपने सबसे पहले क्लिक कर देना जनरेट सीड फेरस, ठीक है। या आपके पास हार्डवेयर वॉलेट है तो हार्डवेयर वॉलेट दूसरे होते हैं, वो यूएसबी की तरह, वो तो अभी आपके पास नहीं होगा। आपने यहाँ पर सीड फेरस वाले पे आ जाना है, आपने सबसे पहले तो अपना पासवर्ड देना है, उसके बाद कन्फर्म पासवर्ड पे क्लिक कर देना है। पासवर्ड के लिए आपने पढ़ लेना है, जो जो चीज़ें रिक्वायरमेंट है वो आपने पूरी कर ली है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इंटर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, और आठ से बड़े लेटर होने चाहिए, ठीक है। एक बड़ा लेटर, एक छोटा और एक सिंबल भी होनी चाहिए, ठीक है। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आई हैव रीड एंड एग्री टू द टर्म्स ऑफ यूज़, तो इस पर बाद आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। आपका बाइनांस का वेब थ्री वॉलेट कि आप ये के जो ये फेरस होंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको 12 फेरस शो हो जाएंगे, ठीक है। ये फेरस ये अगर आपके पास नहीं होंगे तो आपका वॉलेट आपका भी रिकवर नहीं कर पाओगे, तो इसको सबसे पहले आपने सेफ कर लेना है, ठीक है। ये फेरस आपने लाजमी सेफ करने हैं, जहाँ पे भी सेफ रखो ऑनलाइन ऑफलाइन। यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने अपने प्राइवेट फेरस आपके सामने सेफ कर लिए हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप इसको कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो आपने इसको वेरिफिकेशन भी करनी है। आप यहाँ पर देखें आपसे ये पूछ रहा है कि पहले नंबर पर, तीसरे नंबर पर और चौथे नंबर पर कौन सा फेरस था, ठीक है। ये वेरिफिकेशन के लिए पूछते हैं। वेब थ्री के जितने भी वॉलेट होते हैं ये आपने खुद सेव करने होते हैं, ये आपको ये जो कंपनी होती है वो भी आपको रिकवर करके नहीं दे सकती, क्योंकि उनके पास कोई एक्सेस ही नहीं होता। जो भी वेब थ्री के वॉलेट होते हैं ये डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट होते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं पहले नंबर पर डिनाई है, दूसरे तीसरे नंबर पर स्पीड है, इसके बाद ऑक्शन है, ठीक है। तो ये मैं तीनों सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा तो समझो मेरे जो प्राइवेट सीड फेरस होंगे वो सेफ हो जाएंगे और मेरा वेब थ्री का बाइनांस का वॉलेट भी क्रिएट हो जाएगा। आप इस कंटिन्यू पे क्लिक करोगे यहाँ पर आप देख सकते हैं बीएनबी स्मार्ट चेन वॉलेट आपने समझो क्रिएट कर लिया। उसके बाद नीचे आपको प्लस का ऑप्शन शो होगा, आप यहाँ पर बीएनबी की स्मार्ट चेन पे कोई और टोकन भी ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। नीचे आप देख सकते हैं ये मेटामास्क वॉलेट की तरह ऊपर आपने सेटिंग में आ जाना, ठीक है। आप जैसे ही सेटिंग भी आओगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन शो हो जाएगा, ऊपर आप देख सकते हैं वी आर माइग्रेटिंग टू ट्रस्ट वॉलेट, कि हो सकता है कि ये बाद में इधर ट्रस्ट वॉलेट के डायरेक्ट ये कंबाइन कर दें, ठीक है।
तो आपके पास सिर्फ प्राइवेट फेरस प्राइवेट की आपके पास सेफ होनी चाहिए, ठीक है। वो मैं हर वीडियो के अंदर आप दोस्तों को बताता हूँ। उसके बाद आप ऐड अकाउंट पे क्लिक करके ऐड अकाउंट भी कर सकते हैं, या कोई और अकाउंट अगर इंपोर्ट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, और हार्डवेयर वॉलेट भी आप इधर ऐड कर सकते हैं। बाइनांस के वेब 3 डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट के अंदर आपको बहुत ज़्यादा फीचर आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद आपने सेटिंग पर क्लिक कर देना है। आप देख सकते हैं अगर अभी तक आपने अपना अकाउंट सेफ नहीं किया तो नीचे आपको ऑप्शन होगा व्यू सीड फेरस, तो व्यू सीड फेरस पर क्लिक करके अपने अकाउंट को आपने रिकवर बैकअप कर लेना, ठीक है। उसके बाद आप मैनेज पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आप मैनेज में आ जाओगे। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन होगा की का, ये आप देख सकते हैं, ये छोटी सी की बनी हुई है, ठीक है। आपने प्राइवेट की बाइनांस की लाजमी सेव करनी है। यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी ये वाली प्राइवेट की, ये मैं हमेशा आप दोस्तों को बताता हूँ, ये देखें, ये आपने किसी को बताना भी नहीं है। अगर ये किसी को आप दे दोगे तो उसके पास आपके वॉलेट का फुल एक्सेस होगा, ठीक है। ये प्राइवेट की और प्राइवेट फेरस दोनों ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। अगर ये इनमें से कोई भी आपका हैक हो गया या किसी के पास चला गया तो ये आपके दोनों, वो आपका पूरा वॉलेट का एक्सेस उसके पास चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्लोज करते हैं, उसके बाद आपने वापस आ जाना है। आपको बहुत सारी और भी सेटिंग देखने को मिलेंगी। आपके पास जितने भी आप वॉलेट क्रिएट करते हो आपकी प्राइवेट की और प्राइवेट फेरस आपने लाजमी सेव करने होती है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर भी आपको एक ऑप्शन जो होगा एक्सपोर्ट प्राइवेट की का, और मैनेज कनेक्टेड साइट्स, मैनेज कनेक्टेड साइट्स में आप जितनी भी एयर ड्रॉप या माइनिंग साइट्स को कनेक्ट करोगे आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। उसके बाद रीनेम पर क्लिक करके अपना नेम भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं कि आपने ये वाला एड्रेस भी कॉपी कर लेना है, ताकि आपको पता होना चाहिए कि मैंने जो वॉलेट बनाया उसका एड्रेस कौन सा है। बीएनबी स्मार्ट चेन का जो आप वॉलेट बनाओगे बाइनांस का, तो उसका एड्रेस भी आपने लाजमी सेव करना है, ताकि आपको पता हो वॉलेट का ये वाला एड्रेस है, ये वाला प्राइवेट की है और ये प्राइवेट फेरस है, ठीक है। और आपने ये भी लिख के रखना है कि ये मैंने कहाँ कहाँ यूज़ किया हुआ है, ताकि आपको बाद में भूल ना जाए फिर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नीचे आपको एक ऑप्शन होगा सेंड का, अगर आपको बाइनांस से विड्रॉल करना चाहते हैं तो आप सेंड पे क्लिक करोगे। उसका एड्रेस लिख के आप कोई भी बीएनबी स्मार्ट चेन के मतलब इथेरियम सेंड करना चाहते हैं, कोई भी आप टोकन सेंड कर सकते हैं ऊपर आप देख सकते हैं, और रिसीव करना चाहते हैं तो आप एड्रेस दोगे उसको, रिसीव भी कर सकते हैं, ठीक है। डिपोजिट विड्रॉल भी आप इजीली कर लोगे, और स्वैप का ऑप्शन भी आपको मिल रहा है स्वैप अगर करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपने आ जाना है, मैं इथेरियम नेटवर्क पे क्लिक करता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने इथेरियम नेटवर्क सिलेक्ट कर दिया है, और नीचे आपको प्लस का साइन शो हो जाएगा। आप इथेरियम की ब्लॉकचेन पे आप कोई भी टोकन ऐड कर सकते हैं, जो लोकल टोकन होते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको बहुत सारे टोकन USDT, USD, WBTC और ZRX, REP ये वाले टोकन आपको शो हो रहे हैं। माना हो गया, चेन लिंक हो गया, ठीक है। ये देखें आपको इंजेक्शन का टोकन, आपको बहुत सारे टोकन मिल रहे हैं। उसके बाद अगर आप कस्टम नेटवर्क टोकन ऐड करना चाहते हैं इथेरियम की ब्लॉकचेन पे, तो आप नीचे आके देख सकते हैं, नीचे आपको एक ऑप्शन होगा, यहाँ पर देखें ये सेंड रिसीव और स्वैप, आपको तीनों ऑप्शन हो जाएंगे एक ही वॉलेट के अंदर, आप स्वैप भी कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो के अंदर फुल प्रोसेस समझ आ चुका है, कैसे आपने बाइनांस वेब 3 BNB चेन का वॉलेट आपने कैसे क्रिएट करना है, कैसे आपने एक्सटेंशन यूज़ करनी है माइसिस ब्राउज़र के अंदर, आपने कैसे आपने रिकवरी फेरस और प्राइवेट की सब कुछ आपने कैसे सेव करना है। अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा व्हाट्सएप ग्रुप लाजमी ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं हर एक क्रिप्टो अपडेट बताता रहता हूँ। बाइनांस के विड्रॉल डिपॉजिट स्वैपिंग की पूरी डिटेल आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, और कैसे आपने इसके कस्टम टोकन कस्टम नेटवर्क ऐड करना है उसकी वीडियोज़ भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। अगर आप टॉप बेस्ट फ्री क्रिप्टो माइनिंग ऐप्स, फ्री ऑनलाइन अर्निंग पे ऐप्स पे वर्क करना चाहते हैं और वहाँ से अच्छा प्रॉफिट जनरेट करना चाहते हैं, तो नीचे मैं आपको पूरी प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा। वहाँ से आप हर महीने $50, $100 इजीली अर्न कर लोगे, और उनके विड्रॉल भी आपको बाइनांस वॉलेट के अंदर मिल जाएंगे।